मैं हूं समीर रजा और आप देख रहे हैं एनएसटीवी बिहार। केंद्र सरकार द्वारा गया लाए गए किसान बिल के खिलाफ लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में जारी है। इस बिल के खिलाफ विभिन्न संगठनों और पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया है। उसी को लेकर शनिवार को पूरे देश में चक्का जाम का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में अररिया ने भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए इस सड़क जाम के कार्यक्रम को स्थगित करते हुए प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया है। यह प्रतिरोध सभा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जाकर लोगों को तीन किसानी बिल के खिलाफ जागरूक करेगा और उन्हें बताएगा कि सरकार ने जो बिल लिया है वह किसानों के हित में नहीं है, ना ही इसे देश की जनता अपनाना चाहती है। इसी को लेकर यह प्रतिरोध सभा शहर में भी मार्च के रूप में निकल गया है। प्रतिरोध सभा की अगुवाही करते हुए संगठन के लोगों ने कहा है कि सरकार पूंजीपतियों के हित में यह बिल लाई है और जो सरासर गलत है। अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो अपने आने वाले चुनाव में भी इसका परिणाम साफ नजर आएगा।